कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन हकीकत इसका जस उल्टा है। दरअसल कटिहार में मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव का गाली गलौज और धमकी देने का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो के बारे में पीड़ित रंजीत चौधरी का दावा है कि वह बिशनपुर के रहने वाले हैं और यह पूरा मामला उन्हीं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के बाद इस साल भी रंजीत चौधरी के लगभग 4 बीघा से अधिक जमीन पर उनके ही पड़ोस के अरुण चौधरी, तरुण चौधरी और कई लोगों ने मिलकर मकई का फसल काट दिया, जिसकी शिकायत जब उन्होंने मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव से किया तो खेत के निरीक्षण के बाद वह मकई काट लेने वाले पद से ही मिलकर पंचायती का दबाव डालने लगे। जबकि पीड़ित रंजीत चौधरी का कहना है कि उन्होंने पिछले बार भी मकई खेत उजाड़ देने पर थाना प्रभारी के कहने पर ही पंचायती किया था, मगर थाना प्रभारी और समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर उनसे ही रुपया ऐंठ लिया और निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। हाँ सर, हम मनसाही बिशनपुर से रंजीत चौधरी बोल रहे हैं, पंचायत महनपुर पंचायत पड़ता है सर। मेरा 4 बीघा 1 एकड़ 32 डिसमिल मकई को काट के अरुण चौधरी, तरुण चौधरी, प्रमुख चौधरी, अमरजीत चौधरी काट के मकई को गिरा दिया खेत में। हम थाना जब सर गए तो बड़ाबू के पास, बड़ाबू बोला कि ठीक है हम जांच करके आते हैं। जांच करने के लिए गया, खेत देखा, इसके बाद हमको बोलाया कि ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ये ऑडियो जो गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल हो रहा है जी, ये तो, आपके साथ किया गया जी? मेरा साथ थाना जना गए हैं सर कि मेरा हमारा कनियन को, मेरा पत्नी को, मेरा मैंने गलम गाली देना स्टार्ट किया। बड़ाबू राधेश्याम यादव। कौन थाना से? मनसाही थाना से सर। जिला कटिहार सर। गाली गलौज दिया? गाली गलम हमको भी दिया सर, मेरा पत्नी के साथ भी गंदी सब से गाली गलम दिया। और सर मेरा बोला कि भागो नहीं तो उसने मारबो करेंगे, 3-4 थप्पड़ हमको कालर पकड़ के सर मारबो किया। बड़ा बुरा दिन से हम यादव। तो इसका कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन किए सर। हम यहाँ जब थाना में नहीं हुआ तो सर मुख्यमंत्री को पास गए हैं, आईजी को पास हम आवेदन दिए हैं सर ऑनलाइन करके, एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, सीओ साहब को दिए हैं, फिर भी सर मेरा कोई अन्याय नहीं मिला सर। ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है सत्य है? जी सही है सर। उन्होंने कहा कि इस बार भी हालात उसी तरह का है और एक बार फिर थाना प्रभारी पंचायती करने के लिए दबाव डाल रहा है। पंचायती के लिए तैयार नहीं होने के बाद उसको और उसकी पत्नी को थाना प्रभारी गाली गलौज करते हुए उल्टे केस में फंसा देने की भी धमकी दे रहा है। हालांकि कटिहार एसपी ने इस वायरल ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए मनसाही थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित कर दिया है। फोन में सर हमको फोन बराबर बड़ाबू करता है कि तुम पंचायत करो नहीं तो तुमको केस में हम डाल के फंसा के पकड़ के भेज देंगे। और गंदी शब्द से गाली देता है सर, एकदम उल्टा सीधा करता है। और सर गंदा गंदा गाली मेरा पत्नी के साथ भी, हमको भी सर टोटल, हम मोबाइल में मेरा पास सबूत है। आप ही वायरल करवाए हैं? जी सर, हम ही करवाए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर मेरा न्याय मिल जाए। गरीब आदमी खेती किए हैं, मकई सर मेरा काट दिया है, हमको न्याय मिले सर। गरीब आदमी हम हैं, मजदूर हैं सर, कर्जा लेके खेती किए हैं सर। और मेरा मकई काट दिया राधेश्याम यादव, मेरा कोई न्याय नहीं किया, उनके हमको धक्का दे के बाहर कर दिया, गाली देता है और कहता है कि यदि तुम पंचायत नहीं करेगा तो तुमको दूसरा केस में हम फिर फंसा देंगे। अगला बार 2020 में सर मेरा साथ मकई कटा, यही राधेश्याम यादव पंचायत करने के लिए बड़ाबू बोला, पंचायत किए, 30,000 जुर्माना किया सर उन लोग को, 30,000 जुर्माना करके सब टका राधेश्याम बाबू भी खा गया, सरपंच मुखिया खा गया, आज तक 30 गो टका सर मेरा नहीं मिला। फिर कहता है सर पंचायत करो, पंचायत में नहीं तो तुमको फंसा देंगे, मारेंगे, गाली देता है सर बराबर फोन में। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।